खून पानी हो रहा, रिश्ते ना दे बराबर रह गए ने। अजिही की घटना हाल ही च वापरी है। एक पुत्र विदेश जाके दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई नाल एक घर खरीदा, एक जायदाद खरीदा इत्थे, ते कई दहाकिया बाद जो वापस आता है तो उन्हें पता लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी होर किसी ने नहीं, उसके प्यो ने ही धोखे नाल वेच दिती है। ये दोष जिला फतेहगढ़ साहब के मंडी गोबिंदगढ़ इलाके के रहने वाले नरेश कौशल अपने परिवार से ला रहे हैं, अपने प्यो से, अपनी माँ से, अपनी भैनों से। अगे इंसाफ के नाते उन्होंने की हो रहा उन्हें जानते हैं। कौशल साहब, जो भी तुम दसते हो कि फादर साहब ने तुहाडी प्रॉपर्टी वेचती, पहला सवाल यही आता कि तुम उन्हें सगी औलाद हो, बायोलॉजिकल फादर ने तुहाडे? मेरे बायोलॉजिकल फादर है। फिर इन्ना धक्का मतलब सी, ये मेरी सिस्टर्स है जी, उन्होंने कहने के उपर इन्होंने मैनू लगता, मैं पता नहीं उन्होंने कहने के उपर मेरे नाल इन्ना बड़ा धक्का खाता। और मैं सकी माँ अपनी पावर अटॉर्नी दे के गया जी, किसी होर नहीं दिती, सकी माँ। पहली बार बंदा ही सोचेगा यार शायद कोई रिश्तेदार होना, कोई गोदलिया पुत्र होना, भी सगा प्यो तो सगी माँ तो नहीं कर सकते इदा, सके सगा प्यो तो सकी माँ। और उस तो बाद पैसा लेंदे रहे उन्होंने, मैं सारा वर्ल्ड, मैं 2018-19 च आया, मैं उन्होंने दुबई लेके गया, सारा पैसा मेरे मदर ने कहा को गोल्ड बाय करके दे, मैं वो भी सब कुछ लेके दिता। और अजे भी मैं उन्होंने सेवा करदा, मैनू ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स है मेरे, पर कितने तुसी की कितने जाऊँगे, की रिश्ता निभाओगे, की रिश्ता, जो पेरेंट्स ही यह जे काम करते हैं वो रिश्ता की निभाओगे तुसी? नहीं तो की लगता थानू, मतलब थानू पता भी 10 साल बाद जाके लगे हूँ, 2019 च आए तद जाके पता चलिया जी। उस तो बाद हैरानी वाली गल है, जेड़ा डिपार्टमेंट जिन्हें ये स्कैम नाल किया मेरे फादर के नाम मिल के, उन्होंने एक तरह की जनरल पावर अटोर्नी भी नहीं पढ़ी। दसो तुसी पढ़े लिखे बंदे हो, तुहानू ऑफिशियल बना रखे उते, उस दे विच किथे लिखिया नहीं होया कि तुसी ट्रांसफर कर सकते हो या सैल कर सकते हो, बट दे डिड इट। और हुण भी सानू कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिता। मैनू एक सुपरिटेंडेंट उत्थे दा सीगा, उन्हें मैनू पता की किया, उन्हें मैनू किया कि ना तुसी कुछ कोर्ट केस भी कर लोगे, 15-20 साल लटकते रहोगे। हरास करने वाली गल हरास करने वाली। अच्छा, ये थोड़ी बैकग्राउंड च आप जाने, तुसी कदों बार गए, की प्रॉपर्टी खरीदी सी, अपने घर दे मादर पदर नाम भी दस्सो। मैं 2005 च इत्थे आया सीगा, जब मैं आया इत्थे प्लॉट निकले हुए सीगे, मैं प्लॉट अप्लाई किए, मैं अपने फादर को एप्लीकेंट बना लिया और पैसे सारे मैं दते, मैं एप्लीकेशन फॉर्म, मैं कहा चल पेरेंट्स हैं देखते रहेंगे पिछों। मैं उन्होंने देख के 2006 च फस्ट वीक दे विच प्लॉट निकल गया, जब प्लॉट मेरे फॉर्म के उपर भी अगर तुम देखो मेरे साइन है गए सारे कितने, और प्लॉट निकल गया। उस तो बाद मेरे फादर ने मैंने कहा कि प्लॉट निकल गया, मैं उस तो बाद उन्होंने पैसे भेजता रहा। पहले उन्होंने मैं 25 लाख रुपये दिता, फिर 15-15 लाख रुपये दो बोरी फिर दते। उस तो बाद उन्होंने मैनू मेरे को आए कैनेडा आए तद भी पैसे लेके गए, फिर उस तो बाद अमेरिका आए तद भी लेके गए। 2008 च मैं एक बार आया सी, मैं अपनी माम नू पावर अटॉर्नी देके गया कि तुसी अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट करना वो साइन कर सकते हो, ट्रांसफर और सैल दी किथे भी नहीं उस च लिखा होया। पर 2008 च उन्होंने दिती, 2008 च जब मैं वापस गया, 2009 च मेरे फादर ने अपने नाम ट्रांसफर कर ली सारी प्रॉपर्टी। की प्रॉपर्टी है वो? 505 MDC दे विच सेक्टर 3 दे विच प्लॉट सीगा जी, और प्राइम लोकेशन है MDC दी है। तो वैल्यू की होएगी आज दी डेट च? 6 करोड़ रुपए तो घट नहीं है जी। 10 साल पहला बेच गए सी? हां 10 साल पहला बेच गए, 2019 च। फिर जब मैं आया मैं उन्होंने कहा, मैं क्या दसो आप वाइंड अप करना, मैं एक होर प्रॉपर्टी लेना चाहता। मैनू कहंदे वो तो सैल हो चुकी है। मैं क्या किस तरह सैल की, किने दोनों ऑथराइजेशन दी? कहंदे बस करती, कहिंदे उत्ते मैं कर चुके मेरे नाम से सीगा। फिर मैं उस च गया हुड्डा दे विच, हुड्डा वाले को जाके मैं उन्होंने को डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं RTI दे अगेंस्ट, दे डिडंट गिव इट। खत्म हो गई वो गल। फिर मैं जिहड़े मेरे को डॉक्यूमेंट पे सीगे उहदे अगेंस्ट मैं कमिश्नर नूं लैटर लिखी। लटकदे रहो जी, बस कुछ नहीं है कोई। मैं किसी वकील को जाना, हुड्डा वालों कागजी कार्रवाई किदां कर देगी तुहाडे बिना? बस उन्होंने करती जी, हुड्डा वालों उन्होंने जनरल पावर अटॉर्नी लाई है मेरी है, और उस लिखिया नहीं होया, और बस उन्होंने ट्रांसफर करता। और मैं जब उन्होंने पूछा वो कहते असी हमने तो जनरल पावर अटॉर्नी देखी थी इसके ऊपर। की करप्शन लग रही है मैनू? कि तो पूरे करप्शन है जी, है ही करप्शन, लगती की है जी, ये है ही टोटली नैगलीजेंसी एंड करप्शन। RTI को डॉक्यूमेंट मंगे वह बनया? कुछ नहीं मिले जी। की कहें? कहते थर्ड पार्टी है हूँ तो।
की लगता फिर भावें पंजाब की गल करिए हरियाणा की गल करिए एन आर आईज वेलफेयर के जो दावे किए जाते हैं किन्ने सही है? ये तो एक तरह का मिसगाइड करते हैं लोगों को, हरासमेंट हैगी है जी। आप कह दें कि आप इंडिया मोदी साहब कहते हैं जी कि इंडिया नू इस तरह आप चेंज करांगे। मेरे हिसाब से ना सेंटर नू रूल बनाना चाहिए स्टेट्स नू नहीं। इस स्टेट्स के तो सी एम कह जाते हैं जी इन्होंने करना की है जी, इतने तो लोग उत्थे आएंगे उत्थे कह देंगे असी एन आर आईज दे ले इत्थे आओ इन्वेस्टमेंट्स करो। मैं कहना मैं ईवन कि इत्थे अपना वेकेशन होम नहीं बाय कर सकता कि चलो मैं रिटायरमेंट तो बाद इतने आवागा, मैनू की पता मेरे आंदे तक प्रॉपर्टी वेची पई हो। लोग तो कहते भी जो एन आर आई होंगे या बाहर वाले लोग होंगे ने उन्हां च रिश्तियां दी मिठास नहीं होंगी, वो कोई जज्बाती नहीं होंगे। तुहाडे नाल तां भारतीय इंडियन कल्चर रिश्तियां करके होंगे, तुहाडे नाल तां इंडिया च ही इदां हो रहा। मैं तुहानूं एक गल दसां जी, मैं सॉरी कहना नहीं चाहता जी, सवेरे उठते हैं हरे राम हरे कृष्णा करते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, अपने बच्चों नूं आप ही लुटते हैं। मैं अपनी मदर नूं कह चुकिया सवेरे उठदी है पाठ करदे आ, तुसीं अपने बच्चियां दे नाल झूठ बोल रहे हो सिर्फ पैसे दे पिछे। मेरियां तीन भैणां जी, मेरी बड़ी सिस्टर दी कैंसर दे नाल डैथ हो गई, उहदा पहला घर बनवा के दिता, उहदे मुंडे नूं हुण मैं घर बनवा के दिता। मैं तां सपोर्ट करना चाहुंदा कि अपने भैण भाईआं दे करे पर लीजिमेंट तरीके दे नाल तां होवे, झूठ बोल के की कहंदे हुण जिहड़ा इह अपणिआं नाल धक्का कीता लिटिगेशन जाऊंगे? ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਲਟਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮੁਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।